नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आरती। झारखंड के मांडर उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर ने रांची उपायुक्त कार्यालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो सहित बीजेपी के कई बड़े नेता भी वहां मौजूद रहे। और करना आ रहा है तस्वीर हम तब की दिखा रहे हैं जब बीजेपी की प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर अपना नामांकन कराने पहुंची। उनके साथ बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और तमाम बीजेपी के नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस दौरान लोगों की तादाद भी दिखी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। यहां देंगे बाबा, और इस दौरान सुदेश महतो भी वहां मौजूद रहे। मांडर विधानसभा उपचुनाव के संदर्भ में आजसू पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि उनकी पूरी पार्टी गंगोत्री कुजूर के साथ है और गठबंधन के तहत वे सभी चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे एनडीए और मजबूत हुआ है। उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव के संदर्भ में कहा कि अलग अलग चुनाव लड़ने का खामियाजा वे लोग पहले ही भुगत चुके हैं। पिछली सरकार ने गुमराह करके, मैं हमेशा हम लोग कह रहे हैं कि वो बातों को रखा जाता है जो शायद गवर्नमेंट में आने के बाद उनके लिए भी पॉसिबल ना हो। तो मैं तो कभी बीच में आप लोग से याद होगा कि मैंने कहा था कि एक शपथ पत्र दलीय रूप से लोगों का जाना चाहिए, शपथ पत्र हो कि अपने कमिटमेंट का शपथ पत्र चुनाव आयोग को भी जाए कि आप जो ये चेंज हो सकता है तो करना चाहिए मेरे हिसाब से, कि आप जिस बात को बोल के आएंगे उसकी पहल होनी चाहिए, वो दिखनी चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो उनके खिलाफ में एक्शन का भी थोड़ी सख्ती कहीं ना कहीं रहना चाहिए, ये थोड़ा पारदर्शी होगा। नहीं तो ये समय जैसा आ रहा है, लोग किसी न किसी रूप से झांसे में लोगों को लाने की तैयारी करते हैं, फिर इलेक्शन में आते हैं, जीत के आते हैं और फिर 5 साल पब्लिक को सफ़र करना पड़ता है। नहीं, इस बार पहले के चुनाव भी अच्छे लड़े गए हैं ऐसा नहीं है, लेकिन इस बार हम लोग ने तय किया इसलिए कैंडिडेट हम लोगों ने भी नहीं दिया। और संयुक्त रूप से उपचुनाव है, जाना चाहिए। गवर्नमेंट की नाकामियों को जनता के बीच चेक करने का एक बेहतर अवसर भी है ये चुनाव। आएंगे